चिल्ड्रेन, हमने लेटर एन तक लिखना सीख लिया है और उनसे वर्ड्स भी सीख लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर ओ से बने शब्द, वर्ड्स विद लेटर ओ। चलिए देखते हैं आपकी बुक में। सी द पिक्चर्स एंड रीड द लेटर्स। सी मीन्स देखना, क्या देखना है? पिक्चर्स, नीचे पिक्चर्स को देखना है। एंड और रीड द लेटर्स, और लेटर्स को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा। संतरा एक फल है जो हम लोग खाते हैं। इसका छिलका होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है और छीलकर हम लोग इसे खाते हैं। ओ से और होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस समुद्र में रहने वाला जीव है। ये बहुत सॉफ्ट होता है और देखिए इसके कितने आर्म्स हैं, कितनी बाहें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स। और ओ फोर क्या होता है? ओ फोर ऑक्स। ऑक्स मीन्स बैल। ओ फोर ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मीन्स शतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच फर्स्ट लेटर क्या है? ओ। ओ फोर ऑटर। ऑटर मीन्स उदबिलाव। ये भी पानी में रहता है लेकिन ये कहाँ रहता है? नदियों में। और ये ब्राउन कलर का होता है और इसे मछली खाना पसंद होता है। तो आज हमें ओ से कौन कौन से वर्ड्स मिल गए, चलिए देखते हैं। लेट अस सी। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑक्स, ओ फॉर ऑस्ट्रिच, ओ फॉर ऑटर। देयर आर 5 वर्ड्स, लेकिन हम लोग इन्हें क्या करेंगे? हमेशा की तरह बारी बारी से याद करेंगे। तो आज हम लोग केवल 2 वर्ड्स याद करेंगे, ऑरेंज और ऑक्टोपस। चलिए पहले देखते हैं ऑरेंज कैसे पढ़ेंगे। ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। ऑरेंज में संतरा। ये क्या है? एक फ्रूट है। ऑरेंज इज अ फ्रूट। ये जूसी होता है। इसका हम लोग ऐसे भी इसको खाते हैं और इसका जूस भी निकाला जाता है। ओ फॉर ऑक्टोपस। ओ सी टी ओ पी यू एस ऑक्टोपस। इसे हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? ओ सी टी ओ ऑक्टो पी यू एस पस ऑक्टोपस। वंस मोर ओ सी टी ओ ऑक्टो पी यू एस पस ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कहाँ रहता है? समुद्र में। और इसके कितने आर्म्स होते हैं? 8 आर्म्स। एन ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स। तो आज आप ये 2 स्पेलिंग लर्न करेंगे, ऑरेंज एंड ऑक्टोपस। उसके बाद हम लोग आज बुक में वो लिखने का प्रैक्टिस भी करेंगे जो है पेज नंबर 88 में। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? रेड डॉट से। तो रेड डॉट पे पेंसिल रखेंगे और हम लोग बनाएंगे फुल सर्कल ओ। इसी तरह नीचे भी बनाएंगे, रेड लाइन पर पेंसिल रखेंगे और लेफ्ट टू राइट जाते हुए फुल सर्कल बनाएंगे। फुल सर्कल ओ, देन अगेन बाय टेकिंग 1 फिंगर डिस्टेंस फुल सर्कल ओ। इसे आप कंप्लीट करेंगे। स्मॉल एम ओ भी सेम प्रोसेस से बनाना है, बस ये स्मॉल है तो छोटा बनेगा। फुल सर्कल ओ। इसी तरह आप 1-1 फिंगर लेके ब्लू लाइंस में ओ को बहुत सुंदर से आराम से कंप्लीट करेंगे और दिए गए वर्ड्स को याद कर लेंगे।